उत्तरकाशी जिले के मौरी ब्लॉक में सतलुज पावर कॉरपोरेशन की 60 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आर के सिंह मौजूद रहे। इस दौरान राज्य ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण के साथ विकास भी चाहती है, जरूरी है। विकास नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन स्तर नहीं ऊंचा उठा पाएंगे और साथ ही साथ पर्यावरण भी होगा, दोनों को बैलेंस करके चल, और ये यही हम लोगों का ये सोच है, हमारी हम लोगों के सरकार का पार्टी का यही सोच है कि विकास और पर्यावरण दोनों का संतुलन होना चाहिए, तो इसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, NTPC की परियोजनाएं बंद पड़ी है जिसमें आधा से ज़्यादा काम हो चुका है और उसमें अभी तक उनको शुरुआत करने की कोई पहल है? 5-6 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि कुछ काम हो चुका है। क्या उम्मीद करें सर शुरू? इसीलिए क्योंकि हमने बताया ना कि पर्यावरण के बारे में कुछ लोगों ने चिंता उठाई, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, इसी सब कारण से ये अटका है, अब समाधान की ओर निकल रहा है। वहीं CM ने प्रधानमंत्री मोदी को विकास पुरुष बताया और कहा कि राज्यों में विकास की ढेर सारी संभावनाएं हैं। आज 5 साल के बाद ये हमारी 60 मेगावाट जो परियोजना है शिलान्यास हुआ है और 2021 तक ये पूरी होगी। माननीय मंत्री जी से हमारा लगातार संपर्क बना रहता है और आपका सदैव हमको पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि जो हमारी लंबित परियोजनाएं हैं वो उनका शीघ्र उनका जो बाधाएं हैं वो दूर हों और अन्य परियोजनाएं भी हमारी शुरू हों। इस बीच में इस 1 साल में हमने 2 अपनी जो छोटी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया है। हमारी कोशिश है कि हमारा जो रेवेन्यू है उसके लिए ऊर्जा ये हमारा एक मुख्य सोर्स बने जिसके हमारे यहाँ अपार संभावना है। इसके अलावा मोरी में भेड़ पालकों के लिए कॉर्डिंग प्लांट लगाने की योजना भी है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मोरी घास संरक्षण के लिए 15 करोड़ की घोषणा की गई। उत्तरकाशी से आशीष मिश्र की रिपोर्ट।